आज हम आपके लिए COVID-19 यानी कोरोना वायरस पर निबंध लेकर आए हुए हैं। कोरोना वायरस को COVID-19 के नाम से जाना जाता है। कोरोना वायरस सबसे पहले चीन देश के वुहान शहर में फैला था। कोरोना वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वैश्विक महामारी घोषित कर दी है। कोरोना वायरस एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। कोरोना वायरस को छुआछूत की बीमारी कह सकते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। इसलिए कोरोना वायरस की अभी तक कोई दवा नहीं बनी है। कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण सर्दी, खांसी और बुखार हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क का उपयोग करें। कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथ को 1-2 घंटे बाद धोते रहें। कोरोना वायरस के दौरान खांसते या छींकते समय रुमाल का उपयोग करें। कोरोना वायरस के दौरान मुंह, नाक, आंख को छूने से बचें। कोरोना वायरस के दौरान मांसाहारी भोजन का प्रयोग न करें। कोरोना वायरस के दौरान अपने घर मेहमानों को नहीं बुलाएं। कोरोना वायरस के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर न जाएं, जैसे पार्क, मंदिर, मॉल आदि। कोरोना वायरस के दौरान सार्वजनिक वाहनों का उपयोग न करें, जैसे टैक्सी, बस, ट्रेन आदि। कोरोना वायरस से लड़ रहे स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिसकर्मियों का सम्मान करें। इस आपातकालीन स्थिति में गरीब लोगों की मदद करें। कोरोना वायरस जैसी आपातकालीन स्थिति में हमें अपनी सरकार की मदद करनी चाहिए। सरकार की मदद करनी चाहिए का मतलब है कि आप सरकार को डोनेट कर सकते हैं, जो भी आप जितना भी डोनेट कर सकें। एकजुट या एक साथ या एक साथ मिलकर या होकर हमें कोरोना वायरस जैसी बीमारियों से लड़ना है। हमें एक प्रण लेना चाहिए कि हम एक साथ मिलकर कोरोना वायरस जैसी बीमारियों से लड़ेंगे। कोरोना वायरस महामारी में हमें ज़्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और किड स्टडी को चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।